यातायात सुरक्षा और सड़क सप्ताह की सफाई शोपिया में स्वच्छता पखवाड़ा के विषय के साथ शुरू होती है और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच यातायात नियमों और सड़क स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन डीसी शोपिया सचिन कुमार और एसएसपी शोपिया आईपीएस तनुषारे ने एआरटीओ शोपिया मोजेम अली के साथ अन्य जिलाधिकारियों की उपस्थिति में किया। डीसी शोपिया सचिन कुमार ने कहा कि इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों और सड़कों की सफाई के बारे में जागरूक करना है ताकि जनता यातायात नियमों के महत्व को समझ सके, और उन्होंने भीड़ से लापरवाही से वाहन चलाने से बचने की अपील भी की है क्योंकि जीवन हर चीज से कीमती है। तो मैं सभी जो शोपिया के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो रोड सेफ्टी वीक है जो आज से चालू किया जाए, इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज पहला ये है कि उनको सेफली ड्राइव करना है। जब हम देखते हैं गाड़ियां चलाते हैं तो नियमों का पालन नहीं करते। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि कहीं भी बिना डॉक्यूमेंट्स के भी गाड़ियां चलती हैं, चेकिंग होती है, उन पर फाइन्स लगती है। तो ये एक तरीके से अवेयरनेस करने की भी मुहिम है कि सभी लोग अवेयर रहें कि उनके राइट्स क्या हैं, कैसे उनको लेन फॉलो करना है, कैसे गाड़ियों को चलाना है, क्या पेपर्स रखने हैं, हर चीज़ सही करके रखना है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि रोड सेफ्टी वीक का, कि हमारे लेवल पर बहुत सारे ऐसे जो रोड्स हैं जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जो प्रोन टू एक्सीडेंट हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको रेक्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले सदाब करे में एक एक्सीडेंट हुआ, तो सदा उस एक्सीडेंट के बाद हमने जो एनालिसिस अपने की है तो 2-3 जगहों पर हमें ब्लैक स्पॉट्स मिले हैं और वो रेक्टिफाई भी हम कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे करते रहेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब लोगों का कोऑपरेशन हमें मिलेगा। सभी लोगों से अपील है कि आप रैश ड्राइविंग ना करें, नियमों का पालन करें, बिना हेलमेट के जो दो पहिया चलाते हैं बिना हेलमेट के ना चलाएं, और सीट बेल्ट बांधें जो चार पहिया गाड़ी चला रहे हैं। साथ ही साथ जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारे ट्रैफिक रूल्स की, उनका कोऑपरेट करें उनको, और हमारे तक फीडबैक जरूर लाएं। कोई भी अगर दिक्कत उनको सामना करना पड़ता है या फिर कुछ ऐसा लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है या फिर कुछ सुधार की जरूरत है, कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो हमारे ऑफिस को बताएं, एआरटीओ साहब हैं, सभी को बताएं हमारे ऑफिस में, और जो भी एजेंसीज हैं कंसर्न उनको बताएं, ताकि हम सभी लोग बहुत अच्छे से मिलकर काम कर सकें। और इसको जो रोड सेफ्टी वीक का असल में पर्पस है, वो है पहला कि थोड़ा सा हमारा 100-200 मीटर का स्ट्रेच बन बाजार के पास है, तो उसके कारण से, क्योंकि NH444 इधर से जाता है, बाकी जगहों पे जाम नहीं है, ट्रैफिक में जैमिंग नहीं होती, रेगुलेशन के कारण थोड़ी देर के लिए लग जाता है, बट जैमिंग ऐसा नहीं है वो 100 मीटर छोड़ के। उसके लिए NH444 का बाईपास भी बन रहा है तो ईज आउट हो जाएगा। दूसरा, हम समय समय पर इंक्रोचमेंट ड्राइव्स, लेन का सेंस और वन वे टू वे ये बहुत जल्दी हम करने जाएंगे क्योंकि टाउन की प्लानिंग भी चल रही है, तो फिर ट्रैफिक का जब डाइवर्जन हो जाएगा तो उससे चीजें सहूलियत मिलेंगी। क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं सोमो स्टैंड्स के, जो टाउन के बाहर सोमो स्टैंड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम उनको भी रिलोकेट और शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे पॉजिटिव चेंजेस टाउन में जल्दी।